हरियाणा सरकार के मनोहर प्रयासों से प्रदेश में पराली जलाने के मामले में कमी आई, निरंतर किसानों के हित के लिए काम कर रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को करारा जवाब भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले में 25% कम केस दर्ज किए गए हैं, यानी कि पराली जलाने के मामले में हरियाणा में केवल 2,249 केस ही दर्ज किए गए, जबकि पंजाब में पराली जलाने के मामले में 20% से ज्यादा ये केस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री हर विषय पर राजनीति रंग देने की कोशिश करते हैं और हम किसानों के हित की बात करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ये कुल मिलाकर के हर चीज में से राजनीति ढूंढते हैं। मेरा इनको कहना यह है कि इस प्रकार के विषयों में जो एक सार्वजनिक तौर पर जिन चीजों को हमको काम करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक बातें बोलते हैं। तथ्य है, अब हरियाणा मान लो कोई काम अच्छे कर रहा है तो हरियाणा में अपने हिसाब से बोलेंगे, उनको पीड़ा ये होती है कि हाँ हरियाणा के लोग अपने शायद गलत बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं, इस प्रकार का नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सेटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2,249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उसे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सेटेलाइट बता रहा है वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है, यानी कुल मिलाकर 21,500 घटनाएं हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सेटेलाइट के आंकड़े हैं, वो छापते हैं, वो देते हैं, और इसमें उनको तकलीफ होगी। मैंने परसों दो दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है, वास्तव में तो मेरी उस स्टेटमेंट के कारण से उनको परेशानी हुई है, मैं उसमें क्या करूं। और हम तो किसानों को भी पराली न जलाने के लिए कितना प्रोत्साहन देते हैं, 1,000 रुपया प्रति एकड़ हम किसान को देते हैं, किसानों से जो लेकर के जाता है पराली खरीद के ले जाता है उनको पर बेल, चाहे वो आईसीएल का हमारा एथेनॉल प्लांट है वो लेके जाए, चाहे गौशाला लेके जाए, 500 रुपया टन उनको हम देते हैं। फिर किसान को बेल बढ़ाने के लिए या उस सारी पराली को खेतों के अंदर ही यानी बाही करने के लिए और उसके अंदर मिलाने के लिए हम जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने उपकरण हैं, अप्लायंसेस हैं, उन सब के ऊपर भी हम 50% किसान को सब्सिडी देते हैं। और अगर कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से वो सारा आता है उसमें तो हम 80% भी यानी कुल मिला करके उनको सब्सिडी देते हैं। यानी तरह तरह के उपकरण हैं, क्या बेलर है, कटर है, रैकर है, सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, यानी इतने सारे इंप्लीमेंट्स हमने खरीद के दिए हुए हैं। आज की रेट में यानी पिछले वर्ष तक 72,000 उपकरण ये हमने किसानों को उपलब्ध कराए हुए हैं, और इस साल का हमारा भी टारगेट 7,500 का और है, यानी कुल मिलाकर के लगभग 80,000 ये उपकरण जो है इस वर्ष के अंत तक हो जाएंगे। हम इतना काम करते हैं तब जाकर के पराली जलाने से लोग रुकते हैं। और अभी हमारे आगे की योजना तो और है कि सब पराली जितनी भी है वो किसान बेचे जलाए नहीं, और उसकी बिक्री की व्यवस्था हमारे 24 उद्योग ऐसे हैं जो सहमति दे चुके हैं कि हम पराली खरीदेंगे, हम एक एक जिले में उसका कमा